जी नेक्स्ट पर्व है जावा, भगवत और छठ। जावा पर्व पे फोकस कीजिए। जावा पर्व भादो महीने में मनाया जाता है और इसे स्पेशली अविवाहित जो अनमैरिड आदिवासी जो लड़कियां होती है उनके द्वारा ये मनाया जाता, अविवाहित आदिवासी लड़कियों के द्वारा मनाया जाता। तो याद रखें जावा पर कब मनाया जाता है जी, भादो में अविवाहित आदिवासी के द्वारा, मतलब आदिवासी जो लड़की होती है उनके द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, याद रखो। तो बताओ जल्दी से, अविवाहित लड़कियों के द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है, जावा। कौन सा पर्व, जावा। कब मनाया जाता है, भादो, भगवत। ठीक है, भगवत पर्व जो है ये भगवत, भगवत बोले तो भक्ता, भक्ता बोलते हैं इसको, भक्ता, इसको सुधार लीजिए, भक्ता पर्व, भगवत नहीं जी, भक्ता, भक्ता पर्व। ठीक है, इसमें बुद्धा बाबा की पूजा की जाती है। अरे भक्ता मेला देखो ना जी, क्या बोलते हैं, शरीर को फंसा दिया जाता है, जहाँ तहाँ फंसा दिया जाता है, भक्ता पर्व में, भक्ता मेला जिसको बोलते हैं। ठीक है, पीठ में एकदम घुसा दिया जाता है, फंसा दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखे उसमें बुद्धा बाबा की पूजा की जाती है। तो याद रखे बुद्धा बाबा की पूजा की जाती है। ठीक है, इसका याद रखे भक्ता पर्व में किसकी पूजा की जाती है, बुद्धा बाबा की। और नेक्स्ट छठ पर्व तो आप जान ही रहे हो। ठीक है, ये कार्तिक माह में मनाया जाता है। ठीक है, स्पेशली ऐसे देखोगे साल में दो बार पर्व मनाए जाते हैं, छठ पूजा कार्तिक महीना वाला सबसे बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, फेमस होते हैं। तो ये याद रखने का काम जरूर से जरूर करें। छठ पूजा कब मनाया गया, कार्तिक, भक्ता में, तो भक्ता मेला में, तो आप ये जान रहे हैं कि जहाँ तक फंसा के लटका के चल दिया जाता है ना जी। लेकिन किसकी पूजा की जाती है, इस पर याद रखिए, बुद्धा बाबा। और जावा में याद रखिए अविवाहित आदिवासी लड़की के द्वारा भादो में यह पूजा की जाती है। नेक्स्ट।